हेलो जी। तो मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है शाम से, तो शाम के 6 बजे हैं। अभी कुछ काम भी किया है मैंने, कुछ बर्तन थे मैंने वो साफ कर दिए हैं, और दाल मैंने बॉईल कर ली है। दाल बनाई मैंने, अरहर की दाल बनेगी आज। और मुझे अपने बालों में ऑयलिंग करनी थी क्योंकि मुझे कल अपना हेयर वॉश करना है और मुझे स्क्रब भी करना है आज, मैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में, और उसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। तो थोड़ा सा मतलब टाइम ऐसे बचा बचा के अपने लिए निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे टाइम नहीं मिलेगा। और अपनी स्किन की केयर तो बहुत जरूरी है, मतलब केयर हर चीज की करनी चाहिए। देखो, सब चीज की केयर करनी चाहिए, और उसमें हमारी स्किन भी शामिल है, हमारे मतलब हेयर भी, सब कुछ शामिल होता है। तो जो ये मैंने ऑयल बना रखा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, और अभी तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं अब अपने बालों में अच्छे से ऑयल मसाज ले लूंगी। ये मैंने रीठे आंवला और शिकाकाई वगैरह डाल के उसका बनाया हुआ है। वैसे इसमें मैंने मिलाया है कोकोनट ऑयल और जो आपका ये होता है मस्टर्ड ऑयल, इसका बनाया हुआ है। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपनी मसाज। इसमें ना थोड़ा ये डब्बे का जो है वो ऐसे चौड़ा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे हाथों पे ले रही हूँ पहले, और फिर अपनी जड़ों में अच्छे से मसाज कर लूंगी। अगर आप चाहो तो कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हो जाए। तो कुछ इस तरीके से बीच में मैंने डाल लिया अच्छी तरीके से। मतलब तेल की तो बहुत वो होनी चाहिए सर के अंदर। हम जैसे अपने हेयर वॉश करेंगे उसके बाद तो हम लगाते नहीं है, उसके बाद तो हमें लगाना नहीं है। तो हमें तो अब सर धोऊंगी तो उससे पहले मैंने लगा लिया है। तो तेल बहुत जरूरी है हमारे वालों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ऑयल के मैं कभी अपना सर ऐसे धुलती नहीं हूँ। तो मैंने हेयर पैक लगाया था ना, उसके बाद मेरा सर धुला ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से पहले मसाज कर लेती हूँ, फिर मैं स्क्रब कर लेती हूँ। तो जी देखिए, मैंने अपनी ऑयलिंग किस तरीके से की है। मैंने पूरे अपने बाल जो भी हैं बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर ली है, और मैं जो अपनी जैसे मैंने जो भी अपना ऑयल लगाया है अभी अपने बालों में, वो सुबह तक रहेगा। मतलब जब तक मैं नहाऊंगी नहीं, अपना हेयर वॉश करूंगी, तब तक ये रहेगा। तो ये मैंने कर लिया है, और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज मैं अपनी अपने लिए कौन सा स्क्रब मतलब कर रही हूँ। तो आज मैं करूंगी टमाटर से जो बनेगा वो वाला, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कॉफी कॉफी और चीनी से, तो मैं दिखा तो यहाँ पे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, और इसके अंदर जो है ये है मेरे पास पिसी हुई चीनी। मैं रख लेती हूँ पीस कर, और काफी दिनों तक ये मेरी फिर चल जाती है। तो ये इतनी बहुत है, इतनी चीनी ले लेते हैं। उसके बाद इसी में यहाँ पे जो ये कॉफ़ी है हमारी, ये ले लेते हैं, सारा ही ले लेते हैं। कॉफ़ी के हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं अपना कई अधिकतर मतलब मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ बहुत सा। और ये है मेरे पास टमाटर। तो आजकल मार्केट में टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो ये जो टमाटर होते हैं देसी टमाटर होते हैं, उनकी सब्जी भी अच्छी बनती है, और ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा काम करेंगे। तो जो थोड़ा वो जूस है टमाटर का, वो इसके अंदर डाल देते हैं। टमाटर में भी हमारी स्किन के कलर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, मतलब कलर साफ करने के लिए, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा यूज में आता है। तो मैं इसलिए टमाटर भी ले रही हूँ, ये काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ। तो आज मैं मुझे करना था, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी इसको जी। अब क्या करना है, जो हमारे पास जो मैंने बनाया था इस टमाटर को कट कर दिया, तो इसके अंदर मैं ऐसे रख लेती हूँ इसको चम्मच की हेल्प से, और इसको अब यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए चीनी पीस के रख लेती हूँ मैंने दरदरी, तो कुछ इस तरीके से। जब बीच में ये खत्म हो जाए तो हमें और ले लेना है, ये यहाँ पे फॉरहेड पे भी अच्छी तरीके से मैं इसे कर लूंगी।
सब जगह यूज कर लेना है, छोड़ना नहीं है। जो आपके होठ हैं, होठों के पास भी कई बार यहाँ पर इधर ब्लैकनेस आ जाती है, तो इसे यहाँ पर भी यूज कर लेना है। आंखें जो हैं आपके, ये वाला जो एरिया है, ये सब है, तो मैं इसे ना फटाफट कर लेती हूँ एक बार, और फिर मैं आपसे दिखाती हूँ। तो जी मैंने कर लिया है, और अपना जो फेस है वॉश कर लिया है सिंपल पानी से, ये देखिए हाथों पे और फेस पे अच्छा चलता है। कॉफी के बाद जो कॉफी का जो मतलब ये मैंने स्क्रब किया है, इस तरीके से करोगे फेस पे ना अलग ही एक शाइन आती है अच्छी सी। और अभी ना फेस वॉश करूंगी नहीं, ऐसे सिंपल पानी से वॉश करके छोड़ दूंगी बस ऐसे ही। वेलकम बैक माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं पहले आज फिर गई थी थेरेपी कराने के लिए, वहीं से आई हूँ, और आके मैंने फिर चाय वगैरह बनाई, खाना खाया है, एक पराठा लिया मतलब चाय के साथ, और आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था। बाल देखिए, इसीलिए बाल थोड़े से ऐसे हो रखे हैं। और बस मैं लेट गई हूँ, मैंने टीवी ऑन कर लिया है, मैंने कहा चलो कोई मूवी अच्छी सी आ रही है तो मैं मूवी देख लेती हूँ। और पुरानी मूवी आती है ना, मैं वही देखती हूँ। पुरानी मूवी मुझे बहुत पसंद है, पुराने वाले पुरानी सॉन्ग, पुरानी मूवी जो आजकल जो आती है वो बिल्कुल नहीं देखती ना, मुझे वो समझ में आती है बिल्कुल भी, तो पुराने देखती हूँ। और अभी बस मैं ऐसे ही, मैंने कहा चलो एक क्लिप बना लेते हैं, आगे का व्लॉग फिर कल शूट करेंगे। तो मार्केट गई थी, और मार्केट से मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग, वो भी आदि के लिए, क्योंकि मेरे आदि का बर्थडे है मंडे को, 21 फरवरी को आदि का बर्थडे है, तो उसी के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे भीड़ भाड़ जा रही थी, और इनको ना कुछ काम था, क्योंकि ये मुझे छोड़ के तुरंत ही निकल गए थे। वो ये बोले कि कल संडे है और कल कर लेना, कोई जो भी लेना है आदि के लिए, तो आदि के बर्थडे की तैयारी करनी है। कल केक वगैरह का ऑर्डर भी मैं कल ही दे के आऊँगी, और जो भी कुछ उसके लिए गिफ्ट कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी उसके लिए। और गिफ्ट एक क्या मुझे लाने पड़ेंगे, दो एक मैं अपनी तरफ से, मैं तो उसके लिए खैर अपनी तरफ से एक क्या मैं उसे और भी कुछ लेके आऊँगी उसके लिए, और वाणी के लिए। मैं वाणी से बोल रही थी, मैंने कहा वाणी आदि के लिए, मैंने कहा तू क्या गिफ्ट देगी, कह रही मैं कुछ नहीं दूंगी उसको क्योंकि दोनों बहन भाई की ऐसी होती रहती है ना, नोकझोंक चलती रहती है, जहाँ दो बच्चे होते हैं वहाँ लड़ाई बहुत होती है, तो मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। तो कह रही मैं कुछ नहीं देने वाली उसको, मैंने कहा नहीं बेटा, फिर मैंने कहा चल मैं ही ले आऊँगी तेरे लिए, और फिर तू मैं रैप करा के ले आऊँगी, मैंने कहा फिर दे देना तुम उसको। तो बस ऐसा ही है, और कल का दिन भी बिजी जाएगा, क्योंकि कल घर का भी काम ज़्यादा है, कल मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, थेरेपी कराने जाना है, और परसों है आदि का बर्थडे, तो वो भी करना है अच्छे से, जैसे भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और बस अपने ब्लॉग की यहीं पे अभी एंडिंग भी कर देती हूँ, लेट जाती हूँ थोड़ा सा, अपनी जो वीडियो है वो एडिट कर लेती हूँ, उसको मैं डाल देती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।